अगर आप दोस्तों अपने IRCTC अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं, आपने इसमें अपना अकाउंट बनाया था और अब आपको सिर्फ उसका यूजर नेम याद है और पासवर्ड नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भूले हुए IRCTC अकाउंट के पासवर्ड को कैसे पता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो IRCTC अकाउंट के पासवर्ड को पता करने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। साथ ही इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसे डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर आओगे, देन यहाँ से आप अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा भी तरीका होता है जिसमें आपका जो पासवर्ड होता है वो आपके फ़ोन में भी सेव होता है और उसे आप वहाँ से भी पता कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आपने अपना पासवर्ड अपने मोबाइल फ़ोन में सेव किया होगा तब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं सेव किया होगा तब आपको यहाँ से अपने अकाउंट के पासवर्ड को फॉरगॉट करना होगा। लेकिन अगर सेव किया है तो उसे आप कैसे देखेंगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी वो ईमेल सेट कर लोगे जिस ईमेल से आपने अपना IRCTC अकाउंट बनाया था। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आप गूगल अकाउंट के यहाँ पर पेज में आ जाओगे और यहाँ पर आपको पहले सिक्योरिटी में जाना है। और उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे देन यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी पासवर्ड मैनेजर की, और इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद जितने भी पासवर्ड आपके मोबाइल फ़ोन में सेव होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ढूंढना है IRCTC को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है IRCTC और इसमें मेरे 4 अकाउंट के पासवर्ड सेव हैं। तो इन्हें देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड डालेंगे और उसे डालने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करोगे देन ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और जितने भी आपके IRCTC अकाउंट होंगे उनका यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपने अपने पासवर्ड को यहाँ पर सेव किया है। तो अगर दोस्तों आपने अपने पासवर्ड को सेव कर रखा है तो यहाँ से आप अपने IRCTC अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड पता कर लोगे, लेकिन अगर नहीं सेव किया है तब आपको उसे फॉरगॉट करना होगा। तो फॉरगॉट करने के लिए आप फिर से यहाँ पर आ जाओगे और अब आपको यहाँ पर फॉरगॉट अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट को फॉरगॉट करने के लिए। आप यहाँ पर अपने IRCTC का यूजर नेम और ईमेल आईडी को डालकर अपना अकाउंट का पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर ईमेल आईडी में एक OTP आएगा और उस OTP को डाल के आप अपने इस अकाउंट का नया पासवर्ड सेव कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको अपने IRCTC अकाउंट का यूजर नेम पता है, इसीलिए आप यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल दोगे। लेकिन अगर नहीं पता है तब आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालना होगा जो आपके इस अकाउंट में लगा था। मैंने यहाँ पर अपना यूजर नेम और ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप कर दिया है, लेकिन अगर आपको यूजर नेम नहीं पता है तब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल और अगर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके अकाउंट में लगा था और उसे डालने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके इस अकाउंट में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगा होगा उसमें एक OTP जाएगा और उसी OTP को डालकर आप अपने इस अकाउंट का नया पासवर्ड सेव कर पाओगे। और फिर जो मुझे इस अकाउंट का पासवर्ड बनाना है उसे मैं यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद ये मेरा यूजर नेम हो जाएगा और जो पासवर्ड बनाऊंगा वही मेरा पासवर्ड हो जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपने वहाँ पर अपना यूजर नेम ना डाल के अपनी ईमेल आईडी डाली होगी तब आपके ईमेल आईडी में आपका यूजर नेम और 1 टाइम OTP भेजा गया होगा, तो वहाँ से आप अपना यूजर नेम और OTP भी देख सकते हैं। आपके ईमेल में कुछ इस प्रकार से 1 टाइम OTP आएगा जिसमें आपको आपका यूजर नेम और OTP देखने को मिल जाएगा, जिसे आप देख के वहाँ पर डाल दोगे। मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लिया है और जो आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना होता है वो काफ़ी स्ट्रांग डालना होता है। उसमें कुछ कैपिटल लेटर्स हों, कुछ स्मॉल लेटर्स हों, कुछ नंबर्स हों और एक स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड होना चाहिए। और पासवर्ड का एग्जांपल आप साइट में देख सकते हैं और ये कैप्चा आप यहाँ पर इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप अपने इस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन हो जाओगे। आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है और यहाँ पर पासवर्ड, और उसके बाद ये कैप्चा आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बटन पर क्लिक करते ही आपको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपको अपने इस अकाउंट का एक 4 डिजिट का एम पिन सेट करना होगा। और उसके बाद जब भी आप इस ऐप पर आओगे तब आप यही एम पिन डाल के इसमें लॉगिन हो जाओगे और बार बार आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। मैंने एम पिन डाल दिया है और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा देन मैं इसमें कम्प्लीटली लॉगिन हो जाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने IRCTC अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हो और उसके बाद आप इसमें लॉगिन भी हो सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कम्प्लीट प्रोसेस बता दिया है। और इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।